अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रूबी खान। वेलकम टू माय चैनल जायका विद रूबी। आज मैं छोले की सबसे इजी रेसिपी छोले की चाट बनाऊंगी, जो ये सबकी फेवरेट होती है। ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट रेसिपी है। तो देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। 250 ग्राम्स, 250 ग्राम ओवरनाइट सोक किए हुए छोले लिए हैं मैंने। ये एक बड़े साइज़ का फाइन चॉप किया हुआ टमाटर है। ये दो हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, एक हरी मिर्च स्लाइस में लंबी कटी हुई। ये एक मीडियम साइज़ का ओनियन है फाइन चॉप किया हुआ, और ये थोड़ा सा हरा धनिया है बारीक कटा हुआ। इन सब चीज़ों को मैंने पहले अच्छे से वॉश कर लिया था। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून छोले मसाला, 1/2 टीस्पून जिंजर पेस्ट है। ये 1 टीस्पून नमक लिया है मैंने, और ये 1 पिंच बेकिंग सोडा एक छोटे चम्मच में, और ये 1/2 टीस्पून जीरा है। ये 1 टीस्पून चाट मसाला है। इन छोलों को मैंने बहुत अच्छे से वॉश करके इन्हें कुकर में शिफ्ट कर लिया। अब मैं इसमें 1 कप पानी ऐड कर दूंगी, ये नमक, और ये बेकिंग सोडा भी ऐड कर दूंगी। अब मैं इसमें लिड लगाकर इसे 2 से 3 विसल आने तक फुल फ्लेम पे इसे पका लूंगी, जिसमें हमारे छोले अच्छे से गल जाएं। ये देखिए मेरे छोले बहुत अच्छे से टेंडर हो गए। अब मैं चाट बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। पैन रख दिया है मैंने गैस पे गर्म होने के लिए। मैं इसमें 1 चम्मच ऑयल डालूंगी। गरम हो गया है ऑयल, अब मैं इसमें ये जीरा ऐड कर दूंगी। अब जीरा इसमें क्रैकल हो गया है। अब मैं इसमें यहाँ पर ये प्याज ऐड कर दूंगी और थोड़ा सा बचा लूंगी इसमें से, और इसे अच्छे से चम्मच चलाते हुए ऐसे मिक्स कर लूंगी, जिसमें हमारा प्याज थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए। ये देखिए हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें ये जिंजर पेस्ट भी डाल दूंगी जो मैंने लिया था। इसके बाद मैं इसमें ये टमाटर भी डाल दूंगी जो मैंने काट के रख रखे थे। थोड़ा सा टमाटर इसमें से बचा लूंगी बस। अब इसे उसमें बहुत अच्छे से मिक्स कर लूंगी। फुल फ्लेम पर चम्मच चलाते हुए टमाटर के सॉफ्ट होने तक इसे भून लूंगी। मैंने इसमें ऑयल बिल्कुल थोड़ा सा डाला है, क्योंकि छोले की चाट बनाने में ऑयल बिल्कुल थोड़ा सा लगता है। देखिए अब इसमें टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इसमें ये सूखे मसाले जो भी मैंने लिए थे वो ऐड कर दूंगी। उसके बाद मैं इसमें ये हरी मिर्च भी ऐड कर दूंगी। इन सबको इसमें टमाटर के साथ अच्छे से भून लूंगी। इन मसालों को इसमें स्लो फ्लेम पे भूनना है, नहीं तो ये जल जाएंगे। ये देखिए इसमें मसाले अच्छे से भून चुके हैं। अब मैं इसमें ये बॉयल किए हुए छोले भी यहाँ पर ऐड कर दूंगी। अब इसे इसमें छोले के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब इसमें यहाँ पर 1/2 कप पानी ऐड कर दूंगी। पानी ऐड करने से हमारे छोले मसाले में बहुत अच्छे से मिक्सअप हो जाते हैं। अब इसे 2 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे ढक्कन लगा के पका लूंगी, जिसमें हमारे छोले में अंदर तक अच्छे से मसाला मिक्स हो जाए और इसका जायका भी बहुत अच्छा आ जाए। ये देखिए स्लो फ्लेम पे पकते हुए इसे 2 मिनट हो चुके हैं। हमारे छोले इसमें बहुत अच्छे से पक गए हैं। बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है इनसे। मैं इसमें यहाँ पर ये चाट मसाला भी ऐड कर दूंगी। आप चाहे तो अमचूर पाउडर भी ले सकते हैं, लेकिन चाट मसाले में ऑलरेडी खट्टापन होता है। सबसे लास्ट में मैं इसमें हरा धनिया डाल दूंगी और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लूंगी। देखिए मेरी गर्मा गर्म छोले की चाट बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैं इसमें ऊपर से डाल दूंगी ये बचे हुए टमाटर। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी थोड़ा सा प्याज जो मैंने उसमें से बचाया था, और हरी मिर्च। छोले की चाट तो सबकी बहुत पसंदीदा होती है। ये ब्रेकफास्ट टाइम और इवनिंग टी का बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। आप मेरी इस छोले की चटपटी फटाफट बनने वाली चाट की रेसिपी को एक बार अपने घर में जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये छोले की चाट बनाने की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।